दोस्तों नमस्कार, अनिल सांगवान। कैसे हैं आप सब? बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों प्रेजेंट के टाइम पे मार्केट की कंडीशन आप देख ही रहे हैं और मॉर्निंग से और कल से उससे रिलेटेड अपडेट आपको मिल रहे हैं। सोचा एक वीडियो भी डाल दें मार्केट से रिलेटेड, प्रेजेंट में यहाँ पे क्या कुछ मार्केट में हो रहा है और होने जा रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, अगर बिटकॉइन की अगर अपन बात करें ना, तो यहाँ से $70,000 से सीधा डाउन $50,000 पे आ चुका है। इतना बड़ा क्रैश, और उस क्रैश के काफ़ी सारे रीजन भी थे और उन रीजन को हमने फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर किया। एक बार उन अपडेट को एक साथ देख लेते हैं। पहले आते हैं फेसबुक के ऊपर। ओके, यहाँ पे ये तो अभी शेयर किया है चार्ट प्रेजेंट के टाइम पे। ये चार्ट के हालात कोई ड्रॉ करने जाएगा ना, तो उसको इनसे भी बुरी कंडीशन देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखिए, हमने कोरोना टाइम भी देखा है, हमने लूना क्रैश भी देखा है, FTX भी देखा है, हमने रसिया यूक्रेन का वॉर भी देखा और इससे बड़े भी जो है क्रैसेस वो देखे हैं। होल्ड योर पोर्टफोलियो, मार्केट फिर रिकवर करेगा, अपना ऑल टाइम हाई जो है हिट करेगा, ऐसा हमने प्रिडिक्ट किया। ओके, और जो हमने प्रिडिक्ट किया है ना, वो ऐसा होता भी आ रहा है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, पिछले 24 घंटे में 210,000 ट्रेडर का $810 मिलियन के फंड लिक्विडेट हो चुका है। इसमें आपको पता है ट्रोन के मालिक जस्टिन सन भी लिक्विडेट हो चुके हैं, उसका अपडेट भी मैंने डाला आपको। ये अपडेट भी आपको ब्रॉडकास्ट में मिला होगा, जस्टिन सन ट्रोन के मालिक वो भी लिक्विडेट हो चुके हैं। ओके, इसके साथ साथ प्रेजेंट में अभी जो न्यू अपडेट आई रही है ना, वो अभी मैंने रिसेंटली डाली है, ब्रेकिंग फेड एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप इंटरेस्ट रेट 0.5 आफ्टर एमरजेंसी मीटिंग, थोड़ा सा कवर हो सकता है इससे। उसके बाद अब टेलीग्राम की जो न्यूज है वो शेयर करते हैं, अपडेट करते हैं। जापान के शेयर बाजार को 1987 के बाद अब से तक का सबसे ज़्यादा नुकसान हो चुका है। 1987 के बाद सबसे ज़्यादा और बड़ा जो लॉस हुआ है ना जापान शेयर बाजार को, वो अभी इस क्रैश में हुआ है। उसके साथ साथ एक दिन में भारतीय शेयर बाजार से 10,00,000 करोड़ साफ हो चुके हैं भाई, इतना बड़ा क्रैश है ये। इसके साथ साथ हमें इस डाउन मार्केट में एक अच्छी खबर भी, बुलिश खबर भी देखने को मिली कि बिटकॉइन माइनिंग जो है 1 नवंबर से रूस में लीगल हो जाएगी। ये बहुत बहुत बड़ी अपडेट है। मार्केट क्रैश अप डाउन तो चलते रहते हैं, ये जो मैंने डिस्कस किया था ना, ये मैंने वहाँ पे भी डाला था फेसबुक पे, ये कोरोना टाइम का लूना क्रैश, FTX, ये यूक्रेन रसिया वॉर, और अभी जो इजराइल और उसका जो चल रहा है इजराइल और ईरान का जो युद्ध की स्थिति, वो यहाँ पे जो भी कंडीशन बनी हुई है उसको लेके, और क्रेसिस और काफ़ी सारी जो मार्केट में बैड थिंग्स, लोन इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से, US क्रेसिस की वजह से, क्योंकि क्या होता है जब क्रेसिस किसी भी देश में इस तरह की कंडीशन आती है ना, तो वहाँ पे मार्केट से लोग जो बैंक लोन होते हैं वो हैवी, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। तो जब लोन ज़्यादा इंटरेस्ट पे आ जाते हैं तो जो लोन लेने वाले होते हैं वो लोन लेना बंद कर देते हैं। लोग अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं, जहाँ पे एक तो पूरा फ्रीडम हो वहाँ पे लोग खुल के पैसा यूज करें तो मार्केट की स्थिति बनी रहती है, और जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, लोन हाई हो जाते हैं, तो लोग और जो बड़ी संस्थाएं हैं जो मार्केट में पैसा लगाती हैं, चाहे शेयर मार्केट हो, फोरेक्स हो या क्रिप्टो हो, तो पैसा उनको हाई रेट में वो लेते नहीं हैं, और जब पैसा नहीं रहेगा तो वो लगाएंगे कहाँ, ठीक है। तो उसी वजह से इंटरेस्ट रेट डाउन करने की जो मीटिंग है वो सोच रहे हैं, उसके रिगार्डिंग वो अपडेट थी। अब देखिए बात निष्कर्ष ये निकल के आते हैं कि मार्केट और ये सारी चीज़ें, और अभी क्रैश हुआ है, ये क्या हमने पिछले 10 साल में नहीं देखा है?
जब से बिटकॉइन आया है उससे पहले शेयर मार्केट और वगैरह जो भी होती ट्रेडिंग होती थी शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट वगैरह में, क्या उस टाइम पे भी इतने बड़े बड़े क्रैश नहीं आते थे? आते थे। और क्या रिकवर नहीं हुआ था? हुआ था। तो भाई अब क्यों नहीं होगा? तो जिस भी दोस्त के पास फंड है ना, अपना सेफ्टी से रखिए, मार्केट रिकवर होने के पूरे चांसेस। और देखने ये देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लगता है इन चीज़ों को, न्यूज एंड अपडेट को, और इन चीज़ों को स्थिति सुधरने के लिए। उसके बाद जो बड़ी व्हेल होती है ना, वो अपना गेम इसी टाइम को लेके अपना वेटिंग में रखती हैं कि इस तरह की उनको स्थिति मिले और बहती गंगा में हाथ धोएं। पता है क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे एक आम ट्रेडर सोचता है ना, वेल हमेशा उसके विपरीत सोचते हैं और तभी उसका वाइट वॉश करते हैं मार्केट से। अभी देखो यहाँ पे एक अनुमान लगाओ, मोटा मोटा अनुमान लगाओ आप कि पिछले 24 घंटे में 210,000 ट्रेडर का 800, ये तो 807 लिखा था, अभी ये 830-40 हो चुका, मिलियन डॉलर हो चुका है। ठीक है, 3 घंटे की पहले न्यूज है, 3 घंटे में ही 807 से 830-40 मिलियन डॉलर हो चुका है और ये बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे मार्केट क्रैश हो रहा है ना, बढ़ता ही जा रहा है। ये देखिए कितना बढ़ चुका है दोस्तों। उस टाइम पे 210,000 थे ना, अभी 270,000 ट्रेड का 1.3 बिलियन का फंड लिक्विड हो चुका है। मिलियन नहीं, मिलियन की बात छोड़ो, वो लिक्विडेट बिलियन में चला गया है। ओके, और 270,000 ट्रेडर का फंड जीरो हो चुका है भाई। ओके, तो जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करवाते हैं ना, जो लोग पैसा लेके कॉल वगैरह देते हैं, वो स्क्रीनशॉट डालते थे प्रॉफिट का, अब उनके वहां से कोई स्क्रीनशॉट नहीं आएगा कि ये हमारा इतना लॉस भी हो गया है। वो यूजर का लॉस कभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनके यूजर नहीं जुड़ेंगे उनसे, उनकी स्ट्रेटजी ये होती है। और अभी जो लोगों का फंड जीरो हुआ है ना, लोग उनको गालियां दे रहे हैं, तो बहाना बना रहे हैं कि ये क्रेसिस वगैरह, तो बहाना बना रहे हैं कि ये क्रेसिस वगैरह तो ये हो गया वो हो गया, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अब उनके चार्ट पैटर्न सब फेल हो गए। दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करना कभी, दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं, स्पॉट ट्रेडिंग ऑलवेज बेस्ट रहता है क्योंकि आपका फंड आपके अकाउंट में होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे अपडेट भी डाला था मॉर्निंग में, ये ट्रेड का इतना लिक्विडेट होने के बाद भी रॉयल क्यू यूजर मस्त एंड जबरदस्त, अब भी उनका फंड उनके अकाउंट में है। मार्केट डाउन आया है तो अप भी जाएगा। ओके, आपका क्या सोचना है दोस्तों मार्केट के रिगार्डिंग? अगर आप ये साइकिल देख चुके हैं पिछले क्रिप्टो का, तो आपको बखूबी नॉलेज रहा होगा क्योंकि हमने 7-8 साल इस मार्केट को दिए हैं, तो हम अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। ओके, अगर आपका भी एक्सपीरियंस है आप भी कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।